आप देख रहे हैं एन इवनिंग विद ग्रेट फ्लूट मास्टर रजत प्रसन्ना। रजत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया जी। तो लॉकडाउन में कहाँ हैं, बॉम्बे में हैं या दिल्ली में, और क्या चल रहा है? मैं एक्चुअली दिल्ली में ही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है, तो फैमिली के साथ एक्चुअली इस बुरे वक्त में रहना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। बिल्कुल, कुछ भी हो तो वो है। बिल्कुल। तो जी एक बात बताइए हमें, थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे ग्रेजुअली आप यहाँ तक पहुँचे। एक्चुअली मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी था कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसमें मतलब हम बचपन से ही फ्लूट सुनते हुए आ रहे थे। फ्लूट और शहनाई का हमारा घराना है, बनारस घराना। अच्छा। और एक्चुअली जो पहली फ्लूट अगर किसी घराने में बजी थी तो वो बनारस घराने ही था, और उससे पहले वो फोक में ज़्यादा यूज़ होती थी। आपने सुना होगा बहुत सारे फोक में फ्लूट यूज़ होती है, लेकिन प्रॉपर इंडियन क्लासिकल में उसको इंट्रोड्यूस एक्चुअली वो मेरे दादाजी थे, रघुनाथ प्रसन्ना जी, उन्होंने ही किया। तो ऐसी लेगेसी में पैदा होना मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं अभी 9th जनरेशन हूँ, 300-400 साल पुराना हमारा इतिहास है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हम कर रहे हैं। और बहुत इजी चॉइस था कि फ्लूट को लें क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है और काफी चीजें आसान हो गई हैं लोगों से कनेक्ट करना। आप प्रसन्ना नाम लेंगे ही तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप फ्लूट बजाते हैं करके, क्योंकि तो आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग मेरी फैमिली से हैं। तो छोटा जब था 6 साल का तो मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाना शुरू किया वो, और उनका सपना था कि हमेशा से ही कि मैं इंडियन क्लासिकल ही आगे चल के बजाऊं। बीच में मैं थोड़ा खो गया था, मैं फिल्म म्यूजिक में भी चला गया था। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा था, पर एक होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट था आपके लिए, वो एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, क्योंकि आप जब नहीं होते हैं, आप मतलब आपने सिर्फ कॉलेज पास किया और उसके बाद आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ करके, फैमिली ट्रेडिशन से हटके कुछ करना चाहते हैं, वो भी था। तो वो एक्सप्लोर किया, लेकिन वापस फिर वही इंडियन क्लासिकल में आ गया क्योंकि जो नींव हमारे पिताजी ने रखी थी तो उससे हटना बहुत ज्यादा मुश्किल था, भले ही हम भटक गए हो बीच में। तो 6 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया और ऐसे धीरे धीरे करके आज 25 साल हो चुके हैं कि सीखते हुए भी अभी भी सीख ही रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ओशन है और सबने एक छोटा ग्लास पिया हुआ है पानी, वो तो बहुत बड़ा समुद्र है और चल रहे हैं जीवन में जी। तो बनारस कब तक रहे आप, किस उम्र तक आप? बनारस में बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी यहाँ पे दिल्ली आ गए, तो मैं उतना रहा नहीं हूँ वहाँ पे। लेकिन जो ट्रेडिशनली जो हमारा म्यूजिक है जो हम बजाते हैं वो बनारस घराने का है, और प्रॉपर हम बनारस घराने को ही फॉलो करके इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन में जो सूट है वो उसी से बजाते हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती है, कजरी, चैती, ये सब वो सब हम बजाते हैं, और उसकी जो खुशबू है वो अलग ही है बनारस की। आप अगर गए होंगे तो होली सिटी वो है, बहुत ही पौराणिक सिटी है, उसका अलग इतिहास है। तो हमारा म्यूजिक भी उससे जुड़ा हुआ है, और इंडियन क्लासिकल आप देखेंगे तो बहुत ही पुराना म्यूजिक है और अभी तक टिका हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि गंगा के घाट पर बैठ के आपने कभी बजाई हो? हाँ, प्रैक्टिस में हम बजाते थे, और वहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 4-5 बजे ही सुबह सब म्यूजिशियन, और किसी का वो नहीं है, कोई जैसे मंदिर है उसके सामने मुस्लिम लोग भी, बिस्मिल्लाह खान साहब वही मंदिर में घाट पे काफी सब जगह, तो कोई बैर नहीं है, कोई वो नहीं है, सब म्यूजिशियन का अपना अलग ही धर्म है, सब मिलजुल के वो बजा रहे हैं। तो सीखने का जो सिलसिला था वो आपके पिताजी से शुरू हुआ, राइट? हाँ जी, हाँ जी जी। तो उसके बाद फिर कैसे आपने आगे, कोई इसमें पूरा उन्होंने आपको सिखाया या फिर आपने कहीं बाहर भी कहीं एजुकेशन लिया इसको लेके? नहीं, एक्चुअली क्योंकि आपको घर में ही सब कुछ ऐसे मिल रहा है, एकदम परोस के मिल गया है, तो बाहर जाने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं था। और घर में सब बड़े उस्ताद थे? सब बड़े हैं और सब, अभी भी मैं सीखता ही हूँ क्योंकि इतना ज्ञान है सबके पास, तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, ये कभी भी खत्म ही नहीं होगी जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। आप रोज एक नया राग एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि 10 साल पहले जो हम बजा रहे थे सेम राग, वो अभी हम बजाते हैं तो एक कुछ अलग ही फीलिंग है, क्योंकि हमारी फिलोसफी बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, जिस टाइम पे हम रह रहे हैं उससे भी आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंडली मेरे पिताजी हैं जो जिन्होंने काफी बच्चों को सिखाया और हम उन्होंने 25-30 साल एकदम फ्री में सिखाया। मतलब उनका मतलब सिर्फ यही था कि म्यूजिक ना हर घर तक पहुंचे। तो कभी कोई नाई का बेटा है उसको पकड़ के ले आते थे कि तू नाई बन के क्या करेगा, जूते पोछने वाले का बेटा है तो उसको कि म्यूजिक करो, ये सब करके करोगे क्या करके। तो उनका बहुत अच्छा वो था कि एक माइंडसेट था कि हर घर में म्यूजिक हो। और मेरे को इस चीज से एक बात याद आ रही है कि बड़े गुलाम अली साहब ने एक चीज बोली थी कि पार्टीशन के टाइम पे, क्योंकि उनको पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आना पड़ा था, उन्होंने इंडिया को चूज किया था, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर हर घर में एक म्यूजिशियन होता ना तो ये पार्टीशन होता ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम किसी धर्म को वो नहीं मानते। मेरे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं और हम सब ऐसे मिलके मजाक करते हैं, उस्ताद जी कैसे हैं, पंडित जी कैसे हैं करके, और सब बहुत अच्छा माहौल है। मैं कहूँगा कि बहुत लकी हूँ मैं कि सब घर पे मिल गया। दूसरा पॉलिटिक्स जो चल रही है उससे बहुत दूर है हम लोग। बहुत जी, संगीत से वैसे भी हृदय एकदम प्योरिटी वाला हो जाता है, जिससे कि मतलब सब चीजें आपका हृदय प्योर होगा नहीं तो वो आएगा भी नहीं एक्चुअली निकल के ना करके। आपका मन साफ होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जितने भी म्यूजिशियन मैंने देखे हैं वो अपनी दुनिया में सब मगन रहते हैं, पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे दिन, तो ना कोई टीवी देखा ना वो रेडियो सुन रहा है, सिर्फ अपना प्रैक्टिस पे वो लगे हुए हैं। तो इन चीजों पे ना वो दिमाग जाती हैं, जो हमारे जो मीडिया वाले जो हमें जबरदस्ती सोचने में मजबूर करते हैं ना, तो उन चीजों में दिमाग जाता ही नहीं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली दफा आपने पहला शो कब और किस उम्र में किया? मैं पहले तो 11 साल का था, तो उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक्य है वो मैं शेयर करूँगा। बिल्कुल। 11 साल का था, इनफैक्ट वो शायद मैं सबसे छोटा था, अभी तक भी वो रिकॉर्ड होगा कि जिन्होंने फ्लूट परफॉर्मेंस किया। और सेकेंडली मेरा एल्बम आया था टाइम्स म्यूजिक से। टाइम्स म्यूजिक बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेबल है, तो मैं 12 साल का था उस टाइम पे। और वो एक सीरीज होती है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कभी भी एक आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते वो तो एक सीरीज होती है, ऐसी सीरीज ऑफ कैसेट थी। तो उसमें जो मैं था और जो मेरे बाद से सबसे यंग था उसमें 30 साल का डिफरेंस था करके। तो क्योंकि म्यूजिक इतनी जल्दी मिल गया था तो जल्दी सब कुछ होने लग गया, सब अपने आप ही सीढ़ियां बनने लग गई, अपने आप ही रास्ते दिखने लग गए। 11 साल की उम्र में मैंने बांसी वादन किया था दिल्ली में ही, त्रिवेणी कला संगम है वहाँ पे। और एक बहुत अच्छा वाक्य, बहुत फनी वाक्य उसमें यह है कि मुझे ऑर्गेनाइजर ने बोला था कि आपको 1 घंटे ही बजाना है। और मैं, आप सोच सकते हैं 11 साल का बच्चा उसका क्या दिमाग होगा, तो मैं एक बड़ा सा अलार्म क्लॉक लेके चला गया था कॉन्सर्ट के बीच में, और मैं बजाते रहते वो बीच में बज गया था क्योंकि मैंने उसको सेट किया था 1 घंटे के लिए। तो वो बहुत फनी चीज़ है कि बीच में, कॉन्सर्ट के बीच में वो टे 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 करके बजने लग गया। अच्छा। तो क्या उसके बाद क्या हुआ? कि लोगों ने एंजॉय किया, उन्होंने सबसे बहुत प्यार मिला, क्योंकि एक तो बच्चा भी था मैं। दूसरा एक चीज मेरे साथ ये अच्छी हुई, क्योंकि इतने कम उम्र में मैं स्टेज पे बैठ गया था, तो मुझे स्टेज फियर आज तक कभी नहीं हुआ कि स्टेज पे बैठना और कैसे बातें करना है, वो फियर आया ही नहीं कभी भी। बहुत लोग जैसे मेरे जो कॉलीग्स भी हैं जो जिन्होंने थोड़ा सा लेट में से शुरू किया, तो उनको अभी भी रहता है कि जैसे घर में बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन वहाँ जाके म्यूजिशियन का यह है कि नॉर्मली वो बात करने में इतना अच्छा नहीं रहता, सोशल इंटरेक्शन में बहुत उनका अच्छा नहीं रहता, लेकिन बजाने गाने में तो क्योंकि रियाज है, सब कुछ है, तो बहुत जबरदस्त है। तो वो मेरे साथ वो फीलिंग्स में मैं गुजरा ही नहीं। मुंबई कैसे पहुंचे थे आप? ऐसा क्या था जो आपको मुंबई? एक्चुअली मेरा छोटा भाई है तो वो बहुत अच्छा फ्लूट गाता है, राजीव प्रसन्ना उसका नाम है। और वो एक्चुअली कॉलेज के बाद ही चला गया था, तो वो काफी उसने सिंगर्स और वोकलिस्ट श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, इन सब के साथ वो काफी बिजी भी रहता था। और काफ़ी पैसा भी है वहाँ पे, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बजाना है। तो जो इंडियन क्लासिकल से फिल्म इंडस्ट्री में जो पैसे का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो आप जब यंग हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा पैसा अभी कमाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं बाद में चुके। जी 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 जी। तो उसके बाद राजीव काफ़ी शोज कर रहा था, तो उसको देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और मैं भी गया। और कभी कभी वो शो मेरे को बता देता था, तो उससे बहुत आसानी से मुझे काम भी मिलने लग गया। काफ़ी फिल्म के सीरियल्स में, साउंड ट्रैक में, मूवी के साउंड ट्रैक में मैंने बजाया, और काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी अच्छे लोगों से सीखने को मिला सब कुछ कि काम कैसे होता है फिल्म इंडस्ट्री में, और सब बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत प्यार मिला, बहुत पैसे भी मिले, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत, मतलब डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा है। तो उससे भी बहुत अच्छा लगा कि सब हुआ। लेकिन फिर ये था कि एक टाइम के बाद मुझे ये लगने लग गया, क्योंकि मैं डांस के साथ भी बजा रहा था इंडियन क्लासिकल के अलावा, मैं कर्नाटक भी सीखता था, और मैं भरतनाट्यम इनके साथ भी बजाता था। तो एक टाइम के बाद ना मुझे लगने लगी कि मैं ना सही जगह पे नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि जो मेरे पिताजी ने जो नींव रखी थी कि इंडियन क्लासिकल सीखना है, और हमारे घर में सभी इंडियन क्लासिकल बजा रहे हैं, तो फिल्म म्यूजिक के साथ ना मुझे कुछ टाइम के बाद ये लगने लग गया कि मैं अपना 100% ना इसमें दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, भले ही मुझे काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, लेकिन जो मुकाम तक मैं पहुंच सकता हूँ ना, वो मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा उसमें। तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगने लगे कि वापस दिल्ली में रह के इंडियन क्लासिकल, क्योंकि वो एक तरीके से गढ़ है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जो ग्रांट्स हैं और सब कुछ है वो वहीं पे है। तो कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि, और मैंने ये रैंडमली ही सोचा था, और मैंने एकदम ही सब कुछ छोड़ के सीधा वापस दिल्ली में, सब काम छोड़ के, मैंने कोई कॉन्सर्ट किसी के साथ कुछ नहीं बजा रहा, सिर्फ इंडियन क्लासिकल पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। और उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और काफ़ी कुछ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ महीने लगे, जब मैं बिल्कुल ही खाली था, जब मुझे मतलब लगने लग गया था कि डाउट आने लग गया था कि क्या ये डिसीजन सही है। लेकिन एक तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं बहुत लकी था कि जितने भी लोगों के साथ मैं जो काम कर रहा था, उनमें से किसी ने भी ना मेरा रास्ता रोकने के लिए कि ये अलग से कुछ करना चाह रहा है, उसकी कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट सभी मुझे ना अच्छे लोग ही मिले लाइफ में, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा कि जो भी मैं आज हूँ वो वहाँ मुकाम तक पहुँचने के लिए। सबने मुझे राइट कनेक्शन दिए कि अगर आप फिल्म से हट के या म्यूजिक से हट के कुछ करना चाहते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाइए, इन लोगों से कनेक्ट कीजिए। तो बहुत लोगों ने बहुत हेल्प किया, और मैंने सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि मैं आज से काम बंद कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ अच्छा जाऊँगा और सिर्फ रियाज करूँगा, मैंने सिर्फ ये बोला था। और उसके बाद ही अपने आप भी मुझे लोगों के मैसेज आने लगे, जिन लोगों से मतलब काफी सालों से बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि गो फॉर इट, करो, तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम है बात, ऐसे करके बहुत लोगों का मैसेज आया। और बहुत लोगों ने कॉन्सर्ट दिए मुझे खुद ही ऑर्गेनाइज करके कि, और उसके बाद मैंने 40-50 कॉन्सर्ट एक साल में किए। तो इंडियन क्लासिकल में एक्चुअली इतनी जल्दी कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी कहूँगा अपने आप को कि सही टाइम पे सही लोग और सही निर्णय मैंने ले लिया, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आई होप मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके छोटे से सवाल है और मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं चाहता हूँ कि ये डिटेलिंग पूरी हो इसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो एक बात आप हमें बताइए कि आपने दूरदर्शन पे आपने बहुत शोज किए हैं, आपने ऑल इंडिया रेडियो पे शोज किए हुए हैं, तो वो जर्नी कैसी रही, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, जो हमारे इंडियन क्लासिकल का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कहीं भी आप अगर बीए भी कर लें तो उसको मैं मानता नहीं हूँ। जो करेक्ट जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से ही आपको मिलता है, क्योंकि जो आप जाते हैं वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, और जो टेस्ट करने वाले लोग हैं वो सारे बड़े म्यूजिशियन और व्यवस्था होते हैं। तो उसमें मुझे बहुत कम उम्र में A ग्रेड मिल गया था, और बस यही है कि उसके बाद काफ़ी प्रोग्राम्स उन्होंने दिए, दूरदर्शन में भी, ऑल इंडिया रेडियो में भी। इनफैक्ट मैं सीनियर म्यूजिक एसोसिएशन है जो बॉम्बे का है, उसका भी मेंबर हूँ मैं, उसमें भी A ग्रेड हूँ, और वो भी क्या नाम है, फिल्म इंडस्ट्री के ही सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका एसोसिएशन है, तो उनसे भी मुझे ग्रेड मिला जी। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम जो आप बता रहे हैं, इसकी कैसे क्या होता क्या ये एग्जैक्टली? अगर मैं कहूं कि एक आम इंसान को समझना हो तो कैसे समझेगा वो? हाँ जी, तो जैसे आप इंडियन क्लासिकल सीखते हैं गुरु से, उसके बाद एक समय के बाद आपको एक कंपटीशन देना होता है। ये दूरदर्शन का और ऑल इंडिया रेडियो का हर साल निकलता है। दूरदर्शन का इंडियन क्लासिकल डांसेस का निकलता है और ऑल इंडिया रेडियो का म्यूजिशियन का निकलता है। तो वो हर साल ना वो पूरे इंडिया से लोग अपने अपने जो भी वाद्य वो बजाते हैं और जो भी वो करते हैं उनसे वो टेस्ट उनका होता है। एक इनिशियल टेस्ट होते हैं, उसमें काफी लोग निकल जाते हैं और उसके बाद उसमें प्राइजेस भी मिलते हैं कि गवर्नमेंट का अवार्ड मिलता है उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सब कुछ एकदम फैसिलिटेड वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखती है। उसके बाद वो ग्रेडेड करते हैं और ये बहुत माना जाता है इंडियन क्लासिकल फील्ड में। इनफैक्ट इसी को अभी ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इनफैक्ट जो पंडित और उस्ताद का जो टाइटल है वो जब आपको ऑल इंडिया रेडियो से टॉप ग्रेड मिल जाता है तभी आप लगा सकते हैं। नॉर्मली लोग आजकल लिख लेते हैं, कोई भी आजकल लिख लेते हैं, तो वो नहीं है एक्चुअली। और ए ग्रेड तक तो आप ऑडिशन दे के पहुंच सकते हैं और जो टॉप ग्रेड है ना वो आपको ऐसा अवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है कि आपके काम को देख के, और उसके बाद ही आप पंडित और उस्ताद लगा सकते हैं, बाकी लोग सब लगा लेते हैं। अच्छा, ये जो पंडित और उस्ताद का जो टाइटल है ये आपको कौन देता है? ये ऑल इंडिया रेडियो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें इन लोगों को ये देना है अवार्ड। और वो ये काफी टाइम, जो ए ग्रेड से टॉप ग्रेड है उसमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि आपके वो परफॉर्मेंस देखते हैं कि आपने कितना परफॉर्म किया है और किस लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जो हमें टेस्ट करने वाले हैं वो भी आप टॉप ग्रेड ही होंगे, तो क्या मानने क्या रह गए। तो अगर आप कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आपका नाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी भी मिल गया है, लेकिन वो उन्होंने इतना मेहनत किया है एक्चुअली उस चीज को पाने में। तो आपके कई सारे इंटरनेशनल ट्रिप भी रहे, वहां भी आपने कई सारे शोज किए हैं, तो कौन कौन से शोज जो आप जिक्र करना चाहेंगे आप यहाँ पे, ये यादगार हैं? जो हाँ, सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस के लिए मैं कहूँगा कि जो मेरा था वो था चाइना में। मैं टैन डून करके एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, वो हिडन ड्रैगन क्राउचिंग टाइगर के लिए उनको ऑस्कर भी मिला हुआ है, और उनके साथ रहा मैं एक महीने। उनके साथ उनका प्रोसेस मैंने जाना कि कैसे म्यूजिक वो कैसे कंपोज होता है, कैसे वो होता है। तो हमने 20 सिटी में, साउथ एशिया की 20-25 सिटीज में परफॉर्म किया था, और बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा था, 200 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था, तो सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, और कोई पेजिक से आया हुआ है, कोई अफ्रीका से आया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। तो इतने सारे लोगों के साथ मिलके काम करना और इतने सारे म्यूजिक को जानना, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस था। सेकेंडली ये भी था, एक मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हमारा इंडियन म्यूजिक है, हमारी जो ट्रेनिंग है वो ऐसी है कि हमें ना पूरा ध्यान करके एक सुर पे ना टिकना है करके, वो सच्चा सुर पाने के लिए ना लोग पूरी बहुत मेहनत करते हैं। बहुत लाइफ करते हैं। तो हमारा ना अप्रोच ही ये है, और काफी जगहों पे मैंने ये देखा है कि ना माइक्रोटोन्स वो यूज होते हैं करके। तो मेरी जो टीचिंग थी कि सच्चा सुर लगाना है, तो काफी जो तेजिक के जो म्यूजिशियन थे, तो उनका नाम जैसे हेलो सुन पा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो उनका जैसे रिदम साइकिल भी है वो सवा मात्रा पौने मात्रा, ये हमने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सवा मात्रा क्या होता है क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है वो, तो वो उसमें बजाना और उसको समझना। सेकेंडली उनके ना बहुत माइक्रोटोन्स होते हैं, आपने जैसे अरेबिक म्यूजिक सुना होगा, तो पहले तो मुझे ना उन्होंने बताया कि ये जो नोट है, सा से जो रे है, हमारे लिए ना सिर्फ 2 स्प्लिट है, एक सा है, एक रे कोमल है, उसके बीच में और रे है। तो उनके में 6 हैं, 6 स्प्लिट है। तो पहले तो मैं ना उनको हर रोज ये बोलता था कि नहीं आप ना मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये नोट्स है ही नहीं बीच में करके, क्योंकि हम उसको बेसरा और गमसुरा बोलते हैं। तो लेकिन एक महीने उनके साथ बजा बजा के ना एक दिन मुझे जिसपे वो कहते हैं ना यूरेका वाला मोमेंट कि मेरे कान ना वो उस तरीके से ट्रेन हो गए और छोटे छोटे ना जो माइक्रोटोन से ना मुझे सुनाई देने लग गए उनके उनका म्यूजिक सुन सुन के। वो नॉर्मली मैं अब यहाँ पे दिल्ली में फिल्म म्यूजियम में और यहाँ बजा के ना वो चीज एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। जब तक आप दूसरे कंट्री में जाके उन लोगों का म्यूजिक सुन के और उनके साथ बैठ के उनकी फिलॉसफी जान के कि उनका क्या अप्रोच है उस म्यूजिक के बारे में, जब तक आप उससे नहीं बैठेंगे। और सेकेंडली उस चीज ने मेरा म्यूजिक भी काफी चेंज किया है क्योंकि अब जो मैं राग जो है ना उसको मैं माइक्रोटोन्स के साथ सुन के ट्रीट करना, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना सारे गामा पादा निगा सा नी गा मा गा रे ये सात ही नोट अगर हर राग में एक जैसे होंगे ना तो वो राग नहीं है एक्चुअली। रे का स्थान हर राग में अलग है, गा का स्थान हर अलग है और वो नॉर्मली हम ना सुनते नहीं है, समझते नहीं है करके, पर उनके साथ बैठ के उनके साथ करके, क्योंकि जब मैं कुछ राग अलग बजा रहा था ना तो वो मेरे को बता रहे थे कि आपका रे ना इसमें थोड़ा सा चढ़ा हुआ है और वो नेचुरली हो रहा है क्योंकि हमने बचपन से वो सुना हुआ है, वो कर रहे हैं, वो हम नेचुरली बजा रहे हैं करके, लेकिन हम सुनने में हमें समझ नहीं आ रहा कि अच्छा वो है। और वो लोग हमें बता रहे थे कि आपका हल्का सा वो उसमें चढ़ा हुआ है और वो राग में ऐसे ही बजता है क्योंकि उसका आना जाना ऐसा है, वो रे वैसा नहीं है जैसा नॉर्मली सरगम में हम बजाते हैं। तो वो दूसरों से समझना कि हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैसा है बहुत ज्यादा डीप है एक्चुअली। तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने म्यूजिक को, भारतीय संगीत को लेके ये कह सकते हैं ना। और उसमें भी ये था कि क्योंकि 200 म्यूजिशियन है और सबका अलग अलग म्यूजिक है, उसमें इंडियन म्यूजिक को कैसे अच्छे से एकदम प्योर तरीके से दिखा पाना, प्रस्तुत करना है कि क्योंकि हम भी जैसे फिल्मी गाने सुनते हैं या कुछ लोकगीत सुनते हैं तो उससे भी ना हमारा थोड़ा म्यूजिक ना हल्का सा इन्फ्लुएंस होता है, ये नहीं कहूँगा डाइल्यूट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो हम भी ना उसको इंडियन क्लासिकल में थोड़ी थोड़ी चीजें वो डालने लगते हैं। लेकिन जब हम इस सेटअप में बैठे हैं कि पूरी दुनिया का म्यूजिक आपके साथ है तो हमें एकदम प्योर कैसे बजाना है, एकदम सुकून जो है हमारे म्यूजिक में वो कैसे दिखाना है, वो सब जानने को मेरे को मिला वहाँ पे। क्या फर्क महसूस किया आपने इंडियन की जो हिंदुस्तान के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साथ आपने काम किया, यहाँ एक बड़ी टीम के साथ में काम किया, कई सारे शोज किए, और जब आपने बाहर काम किया तो वो क्या फर्क आप देखते हैं कि क्या चीज का? एक जो बहुत मेजर फर्क मैं कहूँगा कि इंडिया में ना एक्चुअली सब कुछ ना अब वैसा हो गया कि तुरंत सब करो और निकलो। तो हम जैसे सेशन भी बजाते हैं ना तो हमें नोटेशन दे दिया जाता है या कंपोजर सीधा बता देता है कि हम स्टूडियो में एक बंद रूम है और अकेला मैं हूँ, फ्लूट पे रिकॉर्डिंग हो रही है और हमें ना बता दिया जाता है कि ये नोटेशन है, ये बजाओ। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी, जैसे चाइना में जब मैं था 200 वो एक फिल्म की ही साउंड ट्रैक है, चाइनीज मूवी का ही एक साउंड ट्रैक हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो 200 लोग एक ही पीस को ना हमने पूरे महीने उसको ऐसे बजाया है। और ना पहले 10 दिन हम सिर्फ नोटेशन बजा रहे हैं सब मिल के, लेकिन ना एक चीज मैंने नोटिस करी कि अगर आप जब एक अकेले बजा रहे हैं तब आप ना नोटेशन बजा रहे हैं, लेकिन जब आप पूरे 200 लोगों के साथ ना तब आप एक परफॉर्मेंस बजा रहे हैं और वो लोग ना उस परफॉर्मेंस को कैप्चर करते हैं। वो सिर्फ वो नहीं कैप्चर कर रहे कि आप आए और आपने आपको ये पीस दिया, आपको सिखा दिया वो करके, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए और ना आपके मन से वो निकलना चाहिए, वो परफॉर्मेंस होता है। तो वो लोग ना उस परफॉर्मेंस को कैप्चर करते हैं। अभी भी आप वेस्टर्न म्यूजिक भी देखेंगे ना वो ही तरीका है, वो लोग एक महीने एक ही साउंड ट्रैक को प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस कैप्चर कर पाए, ना कि सिर्फ एक नोटेशन और सिर्फ जो अभी आपने कंपोजर ने बता दिया तुरंत में बजा के पैसे लेके निकल गया, तो वो उनका नहीं है मानना। बाहर के लोग वो सेम चीज ना हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी है, वो बाकी किसी म्यूजिक में नहीं है, वो इंडियन क्लासिकल में अभी भी बाकी है क्योंकि हम एक कॉन्सर्ट के लिए ना हम 30 दिन 40 दिन बैठ के सेम राग बैठ के हम रियाज कर रहे हैं, उसको उसके बाद जाके वो परफॉर्मेंस निकलता है। जी, क्लासिकल में तो बोलते भी हैं रियाज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा क्योंकि अगर रियाज आपका 100% है ना तो कॉन्सर्ट में जाके वो 70-80% ही बचेगा। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो जितना ऊपर आप अपने आप को ले जा सकें उतना जरूरी है। जी, तो बाहर के लोग आप बाहर भी गए हो, आपने कई सारे शोज बाहर किए हैं, बाहर के लोगों का हिंदुस्तानी क्लासिकल की ओर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या क्या वो देखिए एक मैं बहुत ही सही चीज बताऊंगा, एक मेरे को चाइना में ही एक प्रोफेसर मिले थे, वो कल्चरल चीज पे ना बहुत रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया से ना जो सबसे फेमस जो लोग हैं ना वो पंडित रविशंकर जी, जाकिर हुसैन, ठीक है, और अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने हमें न्यूक्लियर बम दिया, ये सब उनका भी बहुत बड़ा योगदान, लेकिन हमें न्यूक्लियर पावर के तौर पे ना लोग नहीं जानते हैं उतना, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर जो हमारा कल्चर है, जो हमारा जो म्यूजिक है, उसके बिना पे ना हमें ज्यादा लोग जानते हैं वर्ल्ड में। आप योगा देखेंगे ना, योगा के इतने प्रकार निकाल दिए लोगों ने, बहुत अच्छी बात है आपने आज शेयर किया। हाँ, तो हमें ना सही बताऊं तो किसी देश से लड़ाई करके या करके ना जीतने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर हमें जो मिला हुआ है ना उसी से हम जीत जाएंगे। बस हमें बस यह है कि बाकी से उस चीजें जो वेस्टर्न जो चीजें हमें जो इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भेज रहे हैं ना से हटके बसना है। अपना जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल डांस है, अपना जो फोक म्यूजिक भी मैं कहूँगा जो हमारे धरती से जुड़ा हुआ है, उस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें ना तो हमें बाकी कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। हम कल्चरली बहुत आगे हैं बहुत सारी चीजों से। तो राजी मैं चाहूंगा कि एक आप थोड़ा सा कुछ परफॉर्म करके हमें थोड़ा सा दिखाइए या सुनाइए हमारे ऑडियंस को। देखिए मैंने आज कुछ प्रिपेयर तो करा नहीं स्पेशली, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉक शो की तरह ये अनप्लान्ड है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर भी, क्योंकि हम एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, और जो आर्टिस्ट है मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट एक थिंकिंग आर्टिस्ट जो है वो उसका एक मैसेज होना चाहिए हर राग बजाने के पीछे। और हर, तो मैं आज एक राग बजा रहा हूँ देश करके, क्योंकि इस राग से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपके सभी व्यूअर्स और जो भी लोग इसको यूट्यूब और फेसबुक हर मीडियम में जो देखेंगे, मुझे सिर्फ यही अपील है कि प्लीज सर्व योर कंट्री बाय स्टेइंग एट होम। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी लोग हमें बांटना चाह रहे हैं उनसे बचिए। बिल्कुल, ये हमारा समय है कि हम सब एक यूनिट की तरह काम करें, और इस जो बीमारी है उसके खिलाफ हम तभी जीत पाएंगे जब हम एक साथ मिलके सोचेंगे। और राग देश है, वो एकता का प्रतीक है, और इसलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट का बिल्कुल बिल्कुल एक छोटा सा आलाप मैं पेश करूंगा। जी जी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा जी। राजी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छा जो भी आपने बातें की। और सबसे बड़ी बात जो आपने आज की वो ये थी कि जिस सॉफ्ट कॉर्नर के लिए हम बाहर जाने जाते हैं, यकीनन ये बहुत ही अच्छा मैसेज है हर सभी के लिए, और हमें ये सोचना चाहिए, हमें लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। मेरा सर यही है कि जो घर पे है पहले उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए, उसकी खुशबू को जान लिया जाए, उसके महत्व को जान लिया जाए, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो थैंक यू रजत भाई, आप हमसे जुड़े, आपने अपना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया, इतने अच्छे सभी कलाकारों को और आर्टिस्टों को और टेक्निकल चीजों को भी आप दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आर्टिस्ट क्लब के वीडियोज में, मैं रोज बहुत शुक्रिया कुछ वीडियो देखता हूँ, और सबके बारे में जान के ना एक्चुअली, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि छोटे छोटे जो लोग हैं, सिर्फ हम एक्टर डायरेक्टर और जो बड़े बड़े नाम हैं जो हमेशा ही दिखते हैं उनसे बात करने के अलावा अगर जो टेक्निकल लोग हैं उनके बारे में जाने तो मेरे को लगता है कि काफी लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी कि कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप आपका फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल बहुत आगे जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमसे जुड़े हैं, हालांकि आप हमसे आज नहीं जुड़े हैं, आप हमसे बहुत जब से शुरुआत हुई थी तब से जुड़े हुए हैं। हाँ कनेक्ट हम आज कर पाए किसी वजह से, लेकिन जब भी दिल्ली आना होगा तो हम बैठेंगे मिलेंगे और हाँ बिल्कुल एकदम सब ठीक हो जाए तो उसके बाद। हाँ बिल्कुल, तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए हाँ जी शुक्रिया, थैंक यू।